भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं। भारत अग्नि 6 का परीक्षण करेगा और क्यों अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देशों की नींद उड़ जाती है इस मिसाइल का नाम सुनते ही। अभी बहुत ज्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं। देखिए, आजादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटली करेक्ट। कि भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार बन गया। प्लान है इंडिया का, वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आजाद करवा। पाकिस्तान के थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग भी ये मान रहे हैं कि भारत ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बना रहा, जो के उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है। टिक थ्री व्हीलर्स के लिए भारत दुनिया का लीडिंग मार्केट बन चुका है। जो इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमी में वो इंडिया है, बिटवीन 7-8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। चाइना से डबल, चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है इट इज 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। ओके, दैट गिव्स अ मैसेज के भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, दैट इज व्हाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है, और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुँची हुई आसमानों पर जैसे क़ियामत आ गई है, क़ियामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं तो ट्रस्ट करें, हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, एंड सेकंड वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकॉनमी हमारी ख़राब की है। आप देखें ना, आप कितनी ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है उसको बुला रहा है। सो हाउ इंडिया इज़ बीइंग पुट अप और इंडिया किस तरह आगे लेके जा रहा है, सारी दुनिया लुकिंग के भाई, सब दुनिया की जो अटेंशन है, ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे लेकिन ये स्टोरी क्या है, ये पाकिस्तान के जो फॉल है इसकी स्टोरी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसमें उन करेक्टर्स को बेनकाब करने की ज़रूरत है जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। लेकिन हम इन करेक्टर्स को बेनकाब करते करते वहाँ पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर जाके दरवाजे बंद होंगे और किसी की जरूरत नहीं होगी और किसी को हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन पता सबको है कि किसने जो है पाकिस्तान की ये हालत की है और पाकिस्तान को किसने यहाँ पहुँचाया कि आज भारत जो है वो जापान को क्रॉस कर गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जनाब, हम जो है हमारे यहाँ पे प्लांट बंद हो रहे हैं, हमारे प्लांट बंद हो रहे हैं, टोयोटा प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी प्लांट बंद कर रहा है, बाहर से हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है तो हमने हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, मैंने सुनी नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है जो पाकिस्तान में किसी एक आधे बादशाह ने कोई, मैंने देखा ऑडी की शायद या कोई और टेस्ला वैसला किसी ने जो की है तो वो आपको पता चलेगा। मैं इधर अमेरिका में हूँ, इधर जिधर जाएँ जिस आप पार्किंग पॉइंट पर भी जाएँ वहाँ पर भी चार्जिंग लगे होते हैं, चार्जर लगे होते हैं, मतलब दे हैव गिवन सो मच वैल्यू टेस्ला के हर तरफ चार्जर हैं और भी जो जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं शेवी ये वो सबके जो है वो जो चार्जर लगे हुए हैं, आप जाएं आपको जो है वो बड़े अच्छे से ले जाते हैं, आपको खुद ही वो जो GPS मैप होता है वो खुद ही उस पॉइंट पर ले जाता है जहाँ पर चार्जर होता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अगर सफिशेंट चार्जिंग नहीं है। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, किस बला का नाम है। लेकिन दुनिया में आप देख लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है जो जिसको आप सर तरफ जो है ना शोर मचा हुआ। तो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना है, तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेस से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का, उसको उसने बरूएकार लाते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा वॉर्न करता रहा है कि MTCR की जो एक्सेप्शनल
मेंबरशिप दी जाती है भारत को, इसका इस खित्ते के तस्वीराती तवाजुन पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीराती पहलू मुख्तसरन में ये बताना चाहूंगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब इस टेस्ट के बाद ये बात साबित हो गई है कि 20 साल से जो भारत का तस्वीराती बयानिया था, जो उसकी ओवर्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, वो इट हैज बीन ओवरटेकन बाय टाइम। और अब पाकिस्तान उन बातों को जो अशोर सेकेंड स्ट्राइक और नो फर्स्ट यूज की कमिटमेंट पर मबनी था, अब उनको वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन अली, अगर मैं थोड़ा सा आपसे फर्क करना विद ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए भारत ने उसका नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो अपनी जगह डॉक्ट्रिन तो मौजूद है, इसको इस टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो यही कहेगा कि जी मैंने तो, हम तो, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये टेस्ट जो है उन्होंने शायद इसलिए भी किया है कि जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है या प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव जो भी उनके डॉक्ट्रिन चल रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा गैप चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर, कोई अगर एक्शन लेना चाहते हैं कि स्विफ्ट एक्शन लिया और एक लिहाज से पाकिस्तान को ये ख़तरा मौजूद रहे कि अगर वो एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में। तो नो फर्स्ट यूज़ का किस तरह कंप्रोमाइज़ हो गया इंडिया का, मेरा समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए दो पहलू हैं तस्वीराती जो अहमियत है इस टेस्ट की। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबसर जो हैं इसको 6 से 8 हजार की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बाद ममालिक भी इसके यानी के इसकी जद में आ सकते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि उसका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो टेक्नोलॉजिकल है, नहीं आप ये कहना चाहते हैं कि भारत ने जो अपना डिटरेंस है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चाइना और पाकिस्तान से बियॉन्ड भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप उन्होंने की है, ये कमिटमेंट और इस सलाहियत में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, ये इस बात का टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और सबूत प्रोवाइड करता है कि उसके अहदाफ सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है NFU या नो फर्स्ट यूज के हवाले से, वो ये है कि जनाब अगर आप एक मुल्क की नो फर्स्ट यूज या अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक की पॉलिसी है तो उसने ज्यादा फोकस जो करना है उन एटमी हथियारों पे करना है जिनके डिलीवरी व्हीकल जो है वो सेपरेटेड हो अपने वॉरहेड से, उनका लॉन्च टाइम, उनका अलर्ट लेवल कम हो और वो एब्जॉर्ब करके फर्स्ट स्ट्राइक को सेकंड स्ट्राइक कर सकें।